Good evening to all the friends in the media for coming and attending this news briefing. सबसे पहले मैं आप मीडिया को थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि आप आए हैं. इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट्स है. शायद आप लोग सब लोग जानते हैं कि थोड़े दिन पहले IPFE held a press conference in NC Debarma's house, the IPFE president, and they had said that they will be Mulo ke sang, Tipra Matha ke sang, Delhi jointly jayenge. Hamara baat IPFE se pichle ek mahine mein chal raha hai, aur hum log dono agree karte hain कि हम लोग अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज हो सकते हैं, लेकिन ये मेरा मानना है, नॉट एज अ पॉलिटिशियन बट एज अ पर्सन हु फील्स समथिंग फॉर त्रिपुरा, फॉर द त्रिपुरासा पीपल, कि जब हम लोग दिल्ली जाते हैं और हम लोग का इश्यूज भी ऑलमोस्ट एक ही जैसा है, तो हमें दिल्ली में एक आवाज़ में सेम इशू को उठाना चाहिए. त्रिपुरा लैंड या ग्रेटर त्रिपुरा लैंड में ज़्यादा फर्क नहीं है. हम लोग दोनों आर्टिकल 2 आर्टिकल 3 के अंदर हम लोग स्टेट डिमांड कर रहे हैं. हमारा ग्रेटर त्रिपुरा लैंड में जो नॉन EDC एरिया है उसको भी हमने इंक्लूड किया है. हमारा डिमांड फॉर 125th अमेंडमेंट इन द पार्लियामेंट वो भी एक ही है जो पार्लियामेंट में टेबल होना चाहिए. हमारा डिमांड फॉर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, रिपील ऑफ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, वो भी एक ही है. NRC के मैटर में भी हमारा व्यू एक ही है. तो हमें लग रहा है, और ये मेरा पर्सनल व्यू है, कि जब हम दिल्ली जाएंगे तो अगर हमने सेंट्रल लीडरशिप जो आज सरकार में है उनसे हमने बात किया और एक ही चीज़ के बारे में हमने अलग अलग प्लेटफॉर्म से बात किया, तो त्रिपुरासा का समस्या का हल नहीं है. तो इन द इंटरेस्ट ऑफ हंसा, इन द इंटरेस्ट ऑफ, हमें तभी सीरियसली लेगा जब हम एक आवाज में अपने लोगों के बारे में बात करेंगे. तो हमने क्लियरली ये पॉइंट ऑफ व्यू लिया है. और IPFE पहले से हमने 13 बोगी पूरा ट्रेन बुक कर लिया था. IPFE ने हमें रिक्वेस्ट किया है, हमने IPFE के लिए अलग से टू मोर बोगीज हमने बुक किया है. पेमेंट्स कल पूरा हो चुका है और 27 तारीख, और जो भी पॉलिटिकल पार्टीज जो त्रिपुरा लैंड या ग्रेटर त्रिपुरा लैंड को चाहते हैं उनको आना है. दे आर मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन अस इन द दिल्ली अभियान. 27 तारीख हमने क्यों चूज किया, उससे पहले चूज क्यों नहीं किया, ये जनरल कंसेंसस था कि पार्लियामेंट सेशन 28-29 से शुरू होने वाला है, और जब पार्लियामेंट सेशन चल रहा है तो पूरे MPs नॉट ओनली फ्रॉम त्रिपुरा बट पूरे नॉर्थ ईस्ट के MPs, लोकसभा के, राज्यसभा के भी दिल्ली में रहेंगे. पूरा जो नेशनल मीडिया है जिसने त्रिपुरा को बहुत साल से इग्नोर किया है वो भी उस समय पार्लियामेंट में रहेंगे. और जंतर मंतर से अगर हमने 1500 लोग, अगर हमने एक आवाज में ग्रेटर त्रिपुरा लैंड या त्रिपुरा लैंड के बारे में बात किया तो वो न्यूज में आएगा. MPs जो नॉर्थ ईस्ट से हमारे संग सॉलिडैरिटी दिखाना चाहते हैं वो भी आकर हमारे त्रिपुरासा लोगों को, वर्कर्स लोगों को, वॉरियर्स लोगों को बात कर सकते हैं. तो ये हमारा डिसीजन है कि सही टाइम में सही जगह में हमें प्रोटेस्ट करना चाहिए, वरना ये जो ग्रेटर त्रिपुरा लैंड का मूवमेंट है या त्रिपुरा लैंड का मूवमेंट है तो कोई पूछेगा भी नहीं और जानेगा भी नहीं. पार्लियामेंट 29 तारीख को है या 28 तारीख को है, हम 27 तारीख को यहाँ से जाएंगे और वहाँ में हमारा आंदोलन 29, 30, 31 तीन दिन जो है उसके बीच में होगा.
सीपरा मोथा और एक चीज अपील करना चाहता है एज चेयरमैन, ये अलग बात है, लेकिन हमने कहा है कि हम सबको एक पार्टी हो जाना चाहिए, हमारा डिमांड एक, हमारा मुद्दा एक है, हमारा प्रॉब्लम एक है, तो ईगो को नहीं रख के सामने और अलायंस नहीं करके अगर हम लोग दोनों IPFT टिपरा मोथा और कोई भी पार्टी आना चाहे, टिपरा हा TPF जिसको भी आना हो, हम लोग सबको एक पार्टी हो जाना चाहिए। मुझे एज अ चेयरमैन ऑफ टिपरा मोथा अगर किसी को चेयरमैन बनना है तो मैं हटने के लिए तैयार हूँ, मैं अपना पोस्ट के लिए टिपरा साहब को बात नहीं देना चाहता। रजिस्ट्रेशन जिस पार्टी का भी हो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, नाम में क्या लिखा है अगर हम लोग एक नाम में अराइव कर सकते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमें अपना पर्सनल इंटरेस्ट और पर्सनल पोस्ट को पीछे रख के हमें एक होना चाहिए। मैं ईगो को और एरोगेंस को बीच में नहीं रखना चाहता। IPFT आज भी गवर्नमेंट में है, हमने कहा है कि अगर हम लोग को एक होना है या जॉइंट एक्शन मूवमेंट करना है तो उससे पहले हमारा एक कंडीशन है कि जब तक राइटिंग में कोई भी नेशनल पार्टी टिपरा लैंड या ग्रेटर टिपरा लैंड को राइटिंग में नहीं देगा हम उनके साथ अलायंस नहीं करेंगे। ये पॉइंट हम राइटिंग में लेंगे और इसको हम त्रिपुरा के पूरे न्यूज़पेपर में छापेंगे, क्योंकि पब्लिक को भी जानना चाहिए कि क्या है ये अलायंस, क्या है ये अंडरस्टैंडिंग, ये क्या है ये मर्जर, अगर मर्जर होगा। जहां तक मैंने मिनिस्टर से बात किया है, एनसी बाबू और मेवाड़ में दोनों ने कहा है कि उनको मंत्री पद से इतना लगाव नहीं है जितना उनको टिपरा लैंड के डिमांड से। इट्स अ पॉजिटिव साइन, आई वेलकम इट। और मैं मीडिया को एक, मैं आपको बोल कुछ नहीं सकता हूं, लेकिन आई कैन गिव यू अ सजेशन। त्रिपुरा में पिछले एक महीने से, जब से बांग्लादेश में अनफॉर्चुनेट अटैक्स हुआ हमारे मंदिरों में, तो काफी रिएक्शन वायलेंस हुआ है, मीडिया को भी दबाव दिया गया है, जो नॉर्थ त्रिपुरा में पानी सागर में हुआ वो भी है। और मैं मीडिया को सिर्फ ये बोलना चाहता हूं कि त्रिपुरा मोथा का क्लियर स्टांस है कि वी स्टैंड विद द माइनॉरिटीज इन बांग्लादेश, बी इट क्रिश्चियन, हिंदू, बुद्धिस्ट, एंड वी स्टैंड विद द माइनॉरिटीज इन त्रिपुरा, be it Muslims, Buddhists, or any other community which is being targeted. We are a secular state, और क्योंकि बांग्लादेश में कुछ गुंडे लोग, कुछ extreme elements, fringe elements ने गलत काम किया है, इसका ये मतलब नहीं है कि त्रिपुरा में भी हम वही करें जो वहां के extreme elements कर रहे हैं। नेगेटिविटी को नेगेटिविटी से मिलाकर किसी का पॉजिटिविटी नहीं होता। आज जो कम्युनल वायलेंस के पीछे चल रहे हैं उनको सोचना चाहिए कि आज ये हमारा बिहेवियर बांग्लादेश में भी दिखाया जा रहा है और बांग्लादेश में भी एक्सट्रीम एलिमेंट्स हैं, उन्होंने अगर रिएक्शन दिया या किया तो हमारे जो हिंदूज हैं बांग्लादेश में, जो क्रिश्चियंस हैं, जो बुद्धिस्ट हैं, उनको और भी खतरा हो सकता है। शेख हसीना हिंदुस्तान का फ्रेंड है, उनके फादर के संग त्रिपुरा का रिलेशनशिप है, और जो हम यहां में कर रहे हैं माइनॉरिटीज को अटैक करके, उनके खिलाफ एक्शन नहीं लेकर जो संगठन लोग ने किया है, उससे वहां के एक्सट्रीम एलिमेंट्स को ज्यादा अपर हैंड मिल रहा है। समय है कि हम
अपने दोस्त को पहचाने और ऐसा कुछ ना करे जिससे माइनॉरिटीज त्रिपुरा में खतरे में आए और हमारे जो हिंदू क्रिश्चियंस एंड बुद्धिस्ट माइनॉरिटी जो बांग्लादेश में है वो भी खतरे में आए, क्योंकि यहां में हम कुछ कर रहे हैं यहां के माइनॉरिटीज के लिए। लास्ट पॉइंट, मैं मीडिया को अपील करना चाहता हूं कि आप तो शायद हमसे ज्यादा जानते हैं, स्पेशली मीडिया जो अगरतला में, लेकिन एक पोर्ट्रेल हो रहा है आंचलिक पार्टी के बारे। ये आंचलिक पार्टी वेस्ट बंगाल से नहीं आया है, नागपुर से नहीं आया है, दिल्ली से नहीं आया है, ये त्रिपुरा का ही आंचलिक पार्टी है। शायद हम लोग को थोड़ा फैसिनेशन है कि जो बाहर से आते हैं उनको हम माला पहनाते हैं और अपने ही लोगों को नीचे दिखाते हैं। तिपरा मोथा ने कभी धर्म का पॉलिटिक्स नहीं किया। तिपरा मोथा जब से काउंसिल में आया है एक दंगा नहीं हुआ अगेंस्ट एनी कम्युनिटी। हम भी शासन करना जानते हैं, लेकिन सब मीडिया नहीं, लेकिन एक दो मीडिया हाउसेस है जो अपने आप को मीडिया हाउसेस बोलते हैं, लेकिन वो रिपोर्टिंग नहीं, ओपिनियंस देते हैं, प्रवचन देते हैं। उनका माइंडसेट आज तक यही है कि आज का जो तिपरासा जो इंडिजिनस है वो भी वनवासी है, उपजाति है। लेकिन उनको भी मैं एक बात बोलना चाहता हूं कि प्लीज रिमेंबर वन थिंग, सबका समय आता है और हमारा भी समय आएगा। उस समय मैं वो गलती नहीं करूंगा जो हर सरकार करता है और किसी से बदला लेता है। ऐसा राजनीति हमको पसंद भी नहीं है और हम करेंगे भी नहीं। लेकिन मीडिया, क्योंकि मैं भी मीडिया हाउस चलाया हूं मैंने 13 साल, आप भी फ्री एंड फेयर न्यूज दिखाइए। मैं जानता हूं कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है जितने नेशनल पार्टीज के पास पैसा है, उनका एडवर्टाइजमेंट अच्छा आता है, लेकिन आपका दायित्व बनता है जहां में सच हो रहा है उसको दिखाए और जहां में गलत हो रहा है उसको भी दिखाए। कवर अप करके हम किसी का फायदा नहीं कर रहे हैं। डेमोक्रेसी में सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं चलता है, डेमोक्रेसी में मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल है, सिविल सोसाइटी का बड़ा रोल है, जुडिशरी का बड़ा रोल है, उसको डेमोक्रेसी कहते हैं। सिर्फ नेता के पीछे भागकर उनका साउंड बाइट्स लेना क्योंकि वो अच्छा विज्ञापन देंगे, उसको मीडिया नहीं कहते, उसको डेमोक्रेसी नहीं कहते। सो प्लीज जो आज हमने आपको बताया है उसको इन टोटो लीजिए और इसका मैनिपुलेशन ऑफ व्यूज मत कीजिए। बस यही मैं कहना चाहता हूँ। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस आई एम मोर देन हैप्पी टू आंसर। आप लोग 27 तारीख को जाने वाले हैं, TDF के आपके साथ जाएंगे, ऐसा कुछ बातचीत हुआ है? क्योंकि जब TDF हुआ है तभी पूजन विश्वास जी ने कहा है कि आप लोगों के साथ बातचीत चल रहा है, शायद अलायंस भी हो सकता है। TDF से मेरा बात नहीं हुआ है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, ये हमको सोचना चाहिए। आई विल टॉक टू द प्रेजिडेंट ऑफ TDF एंड इफ दे वॉन्ट टू ज्वाइन in the movement for Tipra land or greater Tipra land, I'll be more than happy to accommodate them to join us. It would be a very good thing to see people who are not just Tiprasas but non-Tiprasas also joining in and understanding our pain and struggle. I will welcome them. Any other questions? I think I've made myself very clear then that we are, हमारा desire है that we should become one political party, लेकिन ये political party तब होगा जब हम writing में देंगे कि हम BJP, Congress या तृणमूल से alliance नहीं करेंगे जब तक writing में हमारा greater Tipra land नहीं मिलता है। तो मैं अपील करता हूँ IPFT को कि 3.5 साल तो हो चुका है, आप भी सोचिए कि हम आने वाले दिन में अगर तिपरा लैंड के लिए फाइट कर रहे हैं तो हमें मंत्री पद के बारे नहीं सोचना चाहिए और हमें एक होकर, एक पार्टी होकर, कोई भी नाम हो, कोई भी रजिस्ट्रेशन हो,
उसको रखकर हमको आगे चलना चाहिए। एनसी बाबू और मेवार ने मुझे कहा है कि उनके लिए मंत्री पद इम्पोर्टेंट नहीं है, पिपरालाल इम्पोर्टेंट है। आई थिंक आई वेलकम दैट, लेकिन अब इसको हमको राइटिंग में करके हम इसको न्यूज़पेपर में छापना चाहते हैं कि पीपल ऑल्सो नो दैट आर कमिटमेंट इज नॉट फॉर पोस्ट, आर कमिटमेंट इज नॉट फॉर पावर, बट फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल सेटलमेंट ऑफ आर एम्स एंड ऑब्जेक्टिव। बेलाइनो हम भाई, धन्यवाद, थैंक यू।